नमस्ते, मेरा नाम आयुष है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। पश्चिम के देशों में विज्ञान और धर्म की लड़ाई बहुत पुरानी और जानी मानी है, लेकिन हमें प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्मों और विज्ञान के बीच कोई खासा तनाव नहीं दिखता। लेकिन आजकल एक पैटर्न आम होता जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों और रीति रिवाजों का जबरन एक वैज्ञानिक आधार खड़ा करने का पैटर्न। जब मैंने स्टोरी शुरू की तब ट्विटर पर आई सपोर्ट डॉक्टर संदीप मित्तल ट्रेंड कर रहा था, पूरे इंडिया में पहले नंबर का ट्रेंड। इसलिए हमें ज़रूरी लगा कि इस बारे में बात होनी चाहिए। ये स्टोरी संदीप मित्तल के ट्वीट के बारे में है, तो फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए कि संदीप मित्तल एक आईपीएस अफसर हैं। शुक्रवार यानी 21 फरवरी 2020 को महाशिवरात्रि थी। अगले दिन यानी 22 फरवरी को संदीप मित्तल ने ट्विटर पर एक थ्रेड लिखा। पूरा थ्रेड एक बार में पढ़ के सुना देते हैं, जैसा लिखा है वैसा। ट्विटर पर कई ज्ञानियों ने कहा कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इतना दूध चढ़ाकर बर्बाद क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक परंपराओं की निंदा करना आजकल एक फैशन बन गया है। शिवलिंग की आकृति एक एलिप्सॉइड जैसी होती है तथा यह प्राकृतिक ऊर्जा का संचय करने में समर्थ होता है। इस ऊर्जा के विकिरण से बचने के लिए शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाया जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, सूरजमुखी के फूल एवं भांग इत्यादि भी चढ़ाए जाते हैं। यह सभी पौधे परमाणु ऊर्जा के विकिरण को नियंत्रित करने में सक्षम है। चेर्नोबिल परमाणु आपदा के बाद उस संपूर्ण क्षेत्र में भांग के पौधों को उगाकर विकिरण को कंट्रोल, नियंत्रित किया जाता था। आज समय इस प्रकार के प्रश्न के पूछने की बजाय इस बात का है कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में जिन बातों को परंपरा में निहित कर लिया गया है उसकी वैज्ञानिक गुणता को समझने के लिए शोध करें और उसे बढ़ावा दें। इतना विस्तार पूर्वक मैं केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं लिख रहा हूं, अपितु अपने बहन भाइयों को शिवलिंग के गुण एवं महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये था संदीप मित्तल का थ्रेड। इस पूरे थ्रेड में कई दावे हैं, हम बिना किसी देर किए तीन मुख्य दावों का वैज्ञानिक आधार जांचेंगे। शुरू करते हैं। दावा नंबर एक, शिवलिंग की आकृति एक एलिप्सॉइड जैसी होती है तथा यह प्राकृतिक ऊर्जा का संचय करने में समर्थ होता है। हमने एलिप्सॉइड शेप में कोई खास एनर्जी होने की पड़ताल की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि ये किस तरह की प्राकृतिक ऊर्जा है। उन्होंने अपने थ्रेड में आगे न्यूक्लियर एनर्जी और रेडिएशन से जुड़े उदाहरण दिए हैं, तो इसे न्यूक्लियर एनर्जी ही समझ लिया गया। लेकिन फिर संदीप ने जवाब में लिखा, मैंने अपनी ट्वीट में कहीं भी नहीं कहा कि शिवलिंग में परमाणु ऊर्जा होती है। विकिरण किसी भी ऊर्जा जैसे मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल आदि से हो सकता है। संदीप को स्पष्ट करना चाहिए कि यह किस ऊर्जा का विकिरण है। हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ थर्मल रेडिएशन छोड़ती है। एक बेसिक सा नियम जान लीजिए, हर वो पदार्थ जिसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो से ज़्यादा होता है वो थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। एब्सोल्यूट जीरो तापमान केल्विन स्केल का जीरो है। सेल्सियस स्केल यानी कि साधारण स्केल में यह तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कोई भी चीज़ जिसका तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है वो थर्मल रेडिएशन एमिट करती है। इंसान के खुद के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा शरीर भी रेडिएशन छोड़ता है, इसलिए कंबल हमें गर्म रखता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें एक ब्लैक बॉडी से निकली पावर और तापमान का रिलेशन बताता है। यहाँ ब्लैक बॉडी का मतलब काली वस्तु बिल्कुल नहीं है। ब्लैक बॉडी एक आदर्श बॉडी होती है जो अपने तक आ रहे सारे रेडिएशन को सोख लेती है। लेकिन आदर्श जैसा तो इस दुनिया में कुछ है नहीं, इसलिए हर मटेरियल से निकलने वाला रेडिएशन आदर्श से अलग होता है। तो डॉक्टर संदीप मित्तल को स्पष्ट करना चाहिए कि वो किस तरह के रेडिएशन की बात कर रहे हैं। क्या वो थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर लगभग हर चीज़ से थर्मल रेडिएशन निकलता है। चलिए दूसरे दावे की ओर बढ़ते हैं। दावा नंबर टू, इस ऊर्जा के विकिरण से बचने के लिए शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाया जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये तो है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेशन के लिए हैवी वाटर का इस्तेमाल होता है। नॉर्मल पानी में हाइड्रोजन होती है, जबकि हैवी वाटर में ड्यूट्रियम। हैवी वाटर में मौजूद ड्यूट्रियम न्यूट्रॉन्स को धीमा करता है ताकि एक इफेक्टिव फिजन रिएक्शन हो सके। लेकिन यहाँ दूध और जल कहाँ से आया? दूध और जल कैसे एक मॉडरेटर का काम करेंगे, ये समझ से परे है। तीसरे दावे पर चलते हैं। इस दावे की वैज्ञानिक जड़ तो है, लेकिन डॉक्टर संदीप ने इस जड़ से आम की शाखाएं बना दी हैं और इस आम के पेड़ की शाखाओं से संदीप अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दावा नंबर तीन, शिवलिंग पर बेलपत्र, सूरजमुखी के फूल एवं भांग इत्यादि भी चढ़ाए जाते हैं। यह सभी पौधे परमाणु ऊर्जा के विकिरण को नियंत्रण रखने में सक्षम है। चेर्नोबिल परमाणु आपदा के बाद उस संपूर्ण क्षेत्र में भांग के पौधों को उगाकर विकिरण को कंट्रोल, नियंत्रित किया गया था। अभी तक इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि ये किस ऊर्जा के विकिरण की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखते हैं कि बेलपत्र, सूरजमुखी के फूल एवं भांग इत्यादि के पौधे परमाणु ऊर्जा के विकिरण यानी न्यूक्लियर रेडिएशन को नियंत्रित करने में सक्षम है। पहली बात तो अगर ये न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के काम आते हैं, तो क्या संदीप ये नहीं कह रहे कि शिवलिंग से न्यूक्लियर रेडिएशन निकलता है? नहीं तो फिर इस बात का यहाँ पर क्या तुक है? दूसरी बात गंभीर और बेहद मिसलीडिंग है।
चेर्नोबिल में भांग के पौधे से न्यूक्लियर रेडिएशन नियंत्रित करने से शिवलिंग तक पहुंचने वाली बात बहुत मिसलीडिंग है। 1986 में सोवियत रूस के चेर्नोबिल में एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। परमाणु दुर्घटना के बाद वो इलाका रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का शिकार हो गया, मतलब रहने लायक नहीं बचा। फिर कुछ साइंटिस्ट वहां गए और इसे दुरुस्त करने के तरीके तलाशे गए। इन्हीं तरीकों का जिक्र फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के दौरान दोबारा हुआ। चेर्नोबिल में भांग के पौधे यानी कैनबिस से न्यूक्लियर रेडिएशन कम करने वाली बात के पीछे साइंटिफिक स्टडीज हैं, लेकिन यहाँ उन बातों का क्या तुक बैठता है, ये जानने के लिए न्यू साइंटिस्ट मैगजीन के एक आर्टिकल में झांकना होगा। चेर्नोबिल हादसे के बाद यूएस की बायोटेक फर्म फाइटोटेक और यूक्रेनियन एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ने वहां जाकर स्टडीज की। वो चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्रभावित इलाके के आसपास कैनबिस उगाने लगे। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया जो कैनबिस के पौधे उन्होंने वहां उगाए थे उनमें अच्छी खासी मात्रा में सीजियम पाया गया। सीजियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो चेर्नोबिल हादसे के बाद वहां की मिट्टी में सेटल हो गया था, जम गया था। हमें ये बुनियादी समझ तो है कि हर पौधा अपने बढ़ने के लिए, अपने विकास के लिए मिट्टी से कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व सोखता है। कैनबिस के बारे में कमाल की बात यह है कि वो मिट्टी से सीजियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी सोख लेता है। भले ही उस मिट्टी में मौजूद सीजियम का 1% हिस्सा सोखता है, लेकिन इस बात में दम तो है कि कैनबिस यानी भांग का पौधा मिट्टी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सोख लेता है। लेकिन आप इसका कैच समझिए, वो अपनी जड़ों के जरिए मिट्टी से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सोखता है, हवा से नहीं। आप भांग का पौधा काटकर कहीं रख देंगे तो वो अपनी पत्तियों से रेडिएशन नहीं सोखेगा। मान लीजिए वो किसी भी तरीके से ऐसा कर भी लेता है, वो सोख लेता है पत्तियों से रेडिएशन, तब भी ऐसा करना वो एक पास रखने वाली चीज़ नहीं होगी। चेर्नोबिल वाली स्टडी से जो पौधे वापस लाए गए थे उन्हें एक सील्ड इंसिनरेटर में जलाकर राख को ठिकाने लगा दिया गया, क्योंकि वो पौधे रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन से भरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि कैनबिस किसी काम का नहीं है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली बहस को नहीं नकारा जा सकता। पिछले सालों में हम कई जगहों पर मेडिकल मैरिजुआना भी कहते हैं उसको लीगल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने वाली शील्ड बता देना बेबुनियादी है। इसी तरह गाय के गोबर से न्यूक्लियर रेडिएशन सोखने वाली बात भी है। अगेन, गोबर की उपयोगिता को नहीं नकारा जा सकता, गोबर एक बढ़िया फ्यूल है, उससे बेहतरीन जैविक खाद बनती है, लेकिन वो न्यूक्लियर रेडिएशन शील्ड नहीं है। हमारा संविधान अपने दायरे में रहकर हमें धार्मिक प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। अगर आप अपना धर्म प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपके धर्म का विज्ञान झूठ और भ्रम की बुनियाद पर बनेगा? ऐसा भी नहीं है कि आपके धर्म के किसी भी हिस्से का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ धार्मिक श्लोकों में कमाल की चीज़ें लिखी हुई हैं। पता कीजिए कि कैसे कृष्ण और गोपियों वाले एक श्लोक में 31 डेसिमल तक पाई की एक्यूरेट वैल्यू बताई गई है। कैसे माधवाचार्य ने अपने श्लोकों में ट्रिग्नोमेट्री की साइन टेबल को कोट कर रखा है। ये सब कटप्यादी सिस्टम का कमाल है। दिललन टॉप ने कटप्यादी सिस्टम पर एक डिटेल स्टोरी की है, उसे ज़रूर पढ़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने धर्म में विज्ञान खोजिए, लेकिन ये भी देखिए कि कहीं आपके धार्मिक प्रतीक और रीति रिवाज किसी पैटर्न का शिकार तो नहीं हो रहे। डॉक्टर संदीप मित्तल किसी छोटे मोटे पद पर नहीं है कि उनकी बात को इग्नोर किया जा सके, ना ही उनके फॉलोअर इतने कम हैं। संदीप मित्तल एक IPS ऑफिसर हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनकी साइंटिफिक समर्थ को माफ़ किया जा सकता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक बड़ा हिस्सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है, साथ ही ये एग्जाम संविधान की समझ भी परखता है। संविधान जिसमें देश में वैज्ञानिक चेतना के विकास की बात लिखी है, और भ्रम ना फैलाने वाली बात तो इतनी ऑब्वियस है कि उसे कहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है उसे जाकर आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें। कैमरे के पीछे हैं जेरी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।